नमस्कार। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल न सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियां बटोरते हैं। अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर उनकी खूब चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक माने जाने वाले परेश रावल ने इस बार एक ऐसा बयान दे दिया जिससे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की फजीहत हो गई। परेश रावल ने ट्वीट के जरिए क्या कुछ लिखा, पहले आप वो सुनिए। परेश रावल लिखते हैं, ट्रेन्स एंड थिएटर्स एंड बार्स एंड रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर अलाउड टू रिमेन ओपन विद 50% कैपेसिटी बट नॉट जिम्नाजियम। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? इज इट अ क्राइम टू लुक आफ्टर वंस हेल्थ? इज इट नॉट एन एसेंशियल सर्विस? इसका मतलब है ट्रेन, थिएटर, बार, रेस्टोरेंट आदि 50% के साथ खुले रहने की अनुमति है लेकिन जिम में नहीं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? सेहत को लेकर सतर्क रहना क्या गुनाह है? क्या ये जरूरी सर्विस नहीं है? परेश रावल ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को लताड़ा वो अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। एक यूजर ने लिखा, इन आर सिटी जिम्स आर स्टिल ओपन टिल 5 PM। जिम्स शुड बी द लास्ट थिंग टू बी शट डाउन। इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी। इट शुड ऑपरेट विद 50% कैपेसिटी टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल वर्किंग। एक दूसरे यूजर ने लिखा, जिम पीपल डोंट गिव हफ्ता एज पर रूल्स सो नॉट अलाउड टू ऑपरेट। वैसे आपको बता दें, कोरोना के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या उससे ज्यादा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है। इन सबके अलावा शादी या फिर किसी सांस्कृतिक समारोह और राजनीतिक समारोह में भी 50 से ज्यादा लोगों के आने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, उद्धव सरकार को लेकर किए गए परेश रावल के इस तंज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।